Assalamualaikum friends, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्लो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने फास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी पढ़ लिया था कि जब एक स्पर्म एग के साथ बाइंड कर जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो मजीद स्पर्म को रोकने के लिए एक मिनट के लिए जो मेम्ब्रेन है एग की, उसका जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड हो जाता है ताकि स्पर्म एंटर ना हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत कम अरसे के लिए होता है, सिर्फ एक मिनट के लिए, इसलिए हम उसे ट्रांजिएंट फेज भी कहते हैं। इसके बाद दोबारा से चार्जेस वैसे ही हो जाते हैं मेम्ब्रेन पे और स्पर्म एंटर हो सकता है। लिहाजा एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जो परमानेंटली स्पर्म को एंटर होने से रोक दे। अब वो जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं स्लो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो उसी को स्टार्ट करते हैं। स्लो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस। एक जो सेल होता है, एग है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ तादाद में स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, उसके ऊप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि पेरिफेरल पोर्शन मेम्ब्रेन के करीब होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है स्लो ब्लॉकेज में। किस तरह जी, जो सी अर्चन की हम लोग बात करते हैं तो सी अर्चन के ऊप्लाज्म के अंदर राउंड अबाउट 15,000, ठीक है जी, राउंड अबाउट 1,15,000 जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, और एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का जो डायमीटर है वो 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 1,15,000 इसके अंदर मौजूद होते हैं, सॉरी 1 लाख नहीं, 15,000 होते हैं। ठीक है, हर एक का डायमीटर 1 माइक्रोमीटर होता है और इसके अंदर कुछ कंपोनेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट मौजूद होते हैं, वो कंपोनेंट स्लो ब्लॉकेज के लिए बहुत जरूरी हैं। अब ये समझ लेते हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर वो मटीरियल है जिसने स्लो ब्लॉकेज करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक एग है, ठीक है, इसके इतने से स्ट्रक्चर को हम लोग जरा बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, इसके इतने से स्ट्रक्चर को हमने बड़ा करके देखा, तो जो एग मेम्ब्रेन होती है हमें पता उसके ऊपर माइक्रोविलाई होती हैं। ठीक है जी, उसके ऊपर माइक्रोविलाई मौजूद होती हैं, और ये वाली चीज जो रेड कलर से आपको नजर आई है ये विटलाइन इनवेलप है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन और उसकी माइक्रोविल्ला, ये विटलाइन एनवेलप, दरमियान में ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आता है ये जेली कोट है। ठीक है, जेलीश मटेरियल है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक स्पर्म इस स्ट्रक्चर को, ठीक है जी, डाइजेस्ट करता है एक्रोसोमल रिएक्शन से, और किसके साथ आके बाइंड कर जाता है जी, वो माइक्रोविल्ला के साथ आके फ्यूज करता है और अपने कॉम्पोनेंट रिलीज करता है। ठीक है, वो क्या करता है, माइक्रोविल्लाई के साथ आगे सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है और अपने कंपोनेंट प्रो न्यूक्लियस सेंड्यूल के साथ साथ रिलीज करता है। अब इतने से स्ट्रक्चर को, ठीक है जी, हम लोग जरा बड़ा करके इस तरफ देखते हैं। ठीक है, यह सेल मेम्ब्रेन, स्पर्म आगे माइक्रोविल्लाई के साथ फ्यूज हुआ और उसने कुछ कंपोनेंट रिलीज किए जो आपको डॉटेड फॉर्म में नजर आते हैं, ये होते हैं सॉल्युबल कंपोनेंट। ठीक है जी, सॉल्युबल फैक्टर्स। ठीक है, ये सॉल्युबल फैक्टर क्या करते हैं, ये जाके एक एंजाइम है जिसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसका नाम है टायरोसिन काइनेज। ठीक है, ये एंजाइम एज अ मैसेंजर काम करता है और एक और कंपोनेंट है जिसको ये एक्टिव करते हैं, एक एंजाइम है जिसको ये जाके एक्टिव कर देता है, उसका नाम है PLC। ठीक है जी, फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम। ये एंजाइम सेल मेम्ब्रेन में ही लगे एक कंपोनेंट है जिसको जाके इफेक्ट करता है। ठीक है जी, ठीक है, पीएलसी क्या करता है, टायरोसिन काइनेज ने उसे एक्टिवेट किया, वो जाके आगे एक कंपोनेंट को ब्रेक कर देगा जो सेल मेम्ब्रेन में है। इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं PIP2। ठीक है जी, इसने इसे जाके ब्रेक कर देना है, किसमें, PIP दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है जी, PIP दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है GAD और दूसरा IP3। ठीक है, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये रेड वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये है GAD। ठीक है, ग्लिसरल, सॉरी
DAG, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और दूसरा IP3। ये जो ब्लू कलर का सर्कल सा आपको नजर आ रहा है ये IP3 है, और ये रेड कलर का जो है ये DAG है। जैसे ही TLC इसके ऊपर एक्ट करता है ये इसे ब्रेक कर देता है, IP3 अलग हो जाता है, ठीक है, और DAG वो उसी स्ट्रक्चर में मौजूद रहता है मेम्ब्रेन में। अब ये जो DAG है इसका भी एक काम है जो हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हमने जैसे फास्ट ब्लॉकेज पॉलिस्पर्मी और एक्रोसोमल रिएक्शन की बात की रही, तो हमने कहा था IP3 काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जिसे हम फर्दर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो एक उसका यहां पर है, ये जो IP3 है ये आगे ये ठीक है जी स्टिमुलेटर के तौर पर काम करता है, और ये किसके ऊपर यहां काम करेगा जी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी सेल के अंदर मौजूद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जो एग है इसके अंदर जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मौजूद होगा ये IP3 उसके लिए मैसेंजर है, ये उसके ऊपर जाके काम करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। किस तरह, सपोज हमने इतने स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, ये हमने एक उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी बात करें, एक चैनल मेम्ब्रेन, इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट होते हैं जिसमें कैल्शियम भी है, तो ये IP3 इस कैल्शियम चैनल के साथ आके बाइंड कर जाता है, ठीक है। IP3 क्या करता है जी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में लगे कैल्शियम चैनल के साथ आके बाइंड करता है, जिनकी वजह से इनमें से कैल्शियम रिलीज आउट होता है। इनमें क्या होता है जी, कैल्शियम रिलीज आउट हो रहा होता है, और हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम क्योंकि बेसिक आयन है, ठीक है, ये बेस कंपोनेंट है, मेटल जो है तो मेटल बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो जैसे ही साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से निकलेगा तो उसकी बेसिक सिटी एल्कलाइन सिटी हो जाएगी, वो एल्कलाइन कंडीशन हो जाएगी। और हमने यहाँ पे एक बात अभी भी DH की हमने अभी बात छोड़ी हुई थी तो उसकी बात करते हैं। ये जो DAG है, ठीक है, ये एक चैनल कह सकते हैं जी, एक स्ट्रक्चर चैनल कह लें, एक ट्रांसपोर्टर कह लें, उसको जाके एक्टिवेट करता है। उस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या जी, हाइड्रोजन सोडियम ट्रांसपोर्टर। ये क्या करेगा, अंदर से हाइड्रोजन को बाहर और बाहर से सोडियम को अंदर लेके आएगा, जिसकी वजह से अंदर से हाइड्रोजन खत्म होकर बाहर और बाहर से सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। अब ये भी बेसिक है, तो जिसकी वजह से जो सेल का साइटोप्लाज्म है, एक का ऊप्लाज्म है, वो मजीद बेसिक हो जाता है, ठीक है, उसकी अलग वो मजीद अल्कलाइन कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। तो यहां तक तो हमने इस तरह पढ़ लिया। अब ये जो कैल्शियम है, क्योंकि कॉर्टिकल एक्सोसाइटोसिस या स्लो ब्लॉकेज के अंदर कैल्शियम मेजर रोल अदा करता है, ठीक है जी, स्लो ब्लॉकेज या कॉर्टिकल ग्रैनुलर एक्सोसाइटोसिस में कैल्शियम का मेजर रोल है। अब ये जो कैल्शियम मौजूद होगा ये जाके काम करेगा किन के ऊपर, ये जो डॉट हमें नजर आ रहे हैं जिन्हें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, तो हम लोग एक को यहां पे फर्ज कर लेते हैं, ठीक है जी, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद है जो कि स्लो ब्लॉकेज में हमें चाहिए, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट है। ये कैल्शियम क्या करता है जी, ये कैल्शियम जाके एक्ट करता है इसके ऊपर, और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल ये जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल क्या करता है जी, ये मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाता है, और इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो निकल कर यहां पर आना शुरू हो जाते हैं। और मैंने तो यहाँ पे अलहदा दिखाया गया है, लेकिन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की जो एक्सोसाइटोसिस है वो उसी जगह से होती है जहाँ पे पहला स्पर्म आके बाइंड किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझाने के लिए हम लोग थोड़ा सा दूर करके दिखा रहे हैं। तो एक्सोसाइटोसिस होती है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं, वो एक्सोसाइटोसिस से विटलाइन एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है जिसमें जेली मौजूद है उसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं जी इस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं, क्योंकि उन कंपोनेंट का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले कॉर्टिकल ग्रैन्यूल में जो चीज है वो है CGSP, ठीक है जी, CGSP कॉर्टिकल ग्रैनुलर सिराइन प्रोटीएज।
कॉर्टिकल ग्रैनुलर सेराइन प्रोटीएस ये क्या करेगा, विटलाइन इनवेलप और जो विल है ये इसके दरमियान जो जेली कंपोनेंट है या प्रोटीन लिंकेज है जो इनको जोड़ के रखता है उसको ब्रेकआउट कर देता है, उसकी ब्रेकेज कर देता है ताकि विटलाइन इनवेलप और सेल मेम्ब्रेन की जो माइक्रोविल है उसके दरमियान कुछ भी ना रहे, सिर्फ स्पेस बचे। ठीक है, ये जो प्रोटीन लिंक था विटलाइन इनवेलप और सेल मेम्ब्रेन का वो टूट गया। ठीक है, तो हम लोग फर्ज कर लेते हैं अभी फिल्ला रेड कलर का ये वो था, ठीक है, ये ब्लू कलर के डॉट्स हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज इसमें से आती है वो है ग्लाइकोजामाइन ग्लाइकेन। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये चीज आ जाती है। अब ये जो ग्लाइकोजामाइन ग्लाइकेन है, ठीक है, ये क्या करती है, ये इन विटलाइन इनवेलप और विल्लाई के दरमियान, ठीक है जी, जो स्पेस है उसे बढ़ाएगी। किस तरह जी, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से कुछ पॉलीसेक्राइड भी निकलते हैं, ठीक है, कुछ पॉलीसेक्राइड भी निकलते हैं। ये पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोजामाइन ग्लाइकेन ये दोनों यहां पे ग्रेडिएंट कंसंट्रेट करते हैं जिसकी वजह से वाटर वो अंदर आता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर अंदर आएगा। अब पानी जब अंदर आएगा तो ये विस्कस कंपोनेंट है, ठीक है, वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे जिसकी वजह से जो स्पेस है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ये जो स्पेस है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, लिफ्ट अप कर देते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो चीज होती है वो है चौथे पे वो है टी जी। ठीक है, इसका नाम ट्रांस ग्लूटामाइन। ठीक है जी, ट्रांस ग्लूटामाइनेज वो निकलता है। अब हम लोग रेड डॉट से उसे शो कर लेते हैं। ठीक है जी, ट्रांस ग्लूटामाइनेज ये निकलता है। इसके अलावा इन ग्रेन्यूल्स के अंदर परोक्सीडेज भी होता है। ठीक है, इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होता है, परोक्सीडेज, जिसे हम लोग ओवोपी कहते हैं। ठीक है, ये होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर सी अर्चन की कंडीशन में अर्चन डुअल ऑक्सीडेज होता है। ठीक है, अर्चन डुअल ऑक्सीडेज ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन परोक्साइड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन परोक्साइड, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर भी परोक्साइड था जिसे हम लोग ओवोपी कह रहे हैं। इसके साथ साथ रेड कलर के जो डॉट हैं जिसे हमने टीजी कहा है, ट्रांस ग्लूटामाइनेज, ऑक्सीडेज, ओवोपी, दोनों एक ही कंपोनेंट है। ठीक है जी, हम लोग क्योंकि पर ऑक्सीडेज हैं, और ट्रांसजेनिक ग्लूटामाइनेज, ये दोनों मिलके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से कुछ प्रोटीशनस कंपोनेंट निकलते हैं। ठीक है जी, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से कुछ प्रोटीन के कंपोनेंट भी निकलते हैं। ये दोनों मिलके उस प्रोटीन कंपोनेंट की क्या कर रहे होते हैं जी, क्रॉस लिंकेज। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल विटलाइन एनवेलप है इसके नीचे एक मोटी सी लेयर बन चुकी होती है। ठीक है, इसके नीचे एक मोटी सी लेयर बनती है। ये जो मोटी सी लेयर बनी है इसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजिंग एनवेलप। ठीक है, क्योंकि हमने पहले बात कर ली ग्लूकोजामाइन ग्लाइकेन, ठीक है, दूसरे नंबर पे ब्लू कलर से शो हो रहा है ये, और पॉलीसेक्राइड यहां पे होते हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन से इसे लिफ्ट अप कर देते हैं। एक हाई मोटा सा स्ट्रक्चर परोक्सीडेज और टीजी, इनकी मौजूदगी में प्रोटीन की क्रॉस लिंकेज से डेवलप हो जाता है, वाटर की अपलिफ्ट अंदर आने की वजह से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, और आईलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल में बहुत सी प्रोटीशनस सिग्नेशन होती हैं जो कि इसको मजीद हार्डन करती हैं, सख्त और सख्त करती जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो एक सेल है इससे मेम्ब्रेन वो जेली कोट रिमूव हो गए थोड़ा सा फासले पे, एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है जी, हार्ड और मोटा सा थिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो हार्ड थिक स्ट्रक्चर है इसे हम लोगों ने नाम दिया है फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजिंग इनवेलप। ये फर्टिलाइजिंग इनवेलप अब परमानेंटली मौजूद रहेगा और जो भी स्पर्म अगर एंटर होने की कोशिश करता है तो उसे ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह क्या होता है जी, स्लो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी होती है। अब इसका क्विक रिव्यू हम लोग बात करते हैं या जल्दी से समरी की बात करें तो उसमें होता क्या जी, सबसे पहले कॉर्टिकल ग्रैन्यूल मौजूद होते हैं, स्पर्म आके एक्रोसोमल रिएक्शन के साथ अंदर आता है, विल्ला के साथ बाइंड करता है। जैसे ही बाइंड करता है सॉल्युबल फैक्टर रिलीज करता है, वो टीजी को एक्टिवेट, टीके को एक्टिवेट करते हैं, टायरोसिन काइनेज वो एक्टिवेट करता है, फॉस्फोलाइपेज सी को वो आगे जाके PIP2 को ब्रेक कर देता है, किसमें DAG में और IP3 में। DAG सोडियम हाइड्रोजन चैनल को एक्टिवेट करता है, सोडियम अंदर से बाहर से अंदर आता है और अंदर से हाइड्रोजन बाहर जाता है, जिसकी वजह से बेसिक कंडीशन बढ़ती है। IP3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाके स्टिमुलेट करती है, उसमें कहाँ पे कैल्शियम चैनल के साथ बाइंड करती है, वहां से कैल्शियम निकलता है जो कि साइटोप्लाज्म में है, जिसकी वजह से मजीद एल्कलाइन कंडीशन बढ़ गई। ये कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के साथ जाके बाइंड करता है और उनको स्टिमुलेट करता है, किसके लिए जी, एक्सोसाइटोसिस के लिए। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल अपनी सेक्रीशन रिलीज करते हैं, सेक्रीशन में सबसे पहले आपको लाइनों में नजर आ रहा है CGSP, ये क्या करता है जी, विटलाइन एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो प्रोटीशनस लिंकेज है उसे तोड़ देगा। दूसरे नंबर पे पॉलीसेक्राइड और ग्लूकोसामाइन ग्लाइकेन कंपोनेंट है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की वजह से वाटर अंदर आता है, ये जगह जो स्पेस है वो मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसा कि आपको यहाँ से ऊपर को उठती हुई नजर भी आ रही। नंबर थ्री, इसके अंदर TG होता है, ट्रांसग्लूटामाइनेज एंजाइम, परोक्सीडेज और UDGX, ये भी परोक्सीडेज रिमूव करता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से, जो निकलता है उसे आप OVP कहते हैं। TG और ये जितने भी ऑक्सीडेज हैं ये मिलके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से जो प्रोटीन निकल रहे होते हैं उनकी क्रॉस लिंकेज करता है, ठीक है, ये क्रॉस लिंकेज यहाँ पे आपको थिक होती नजर आ रही है। उसके बाद हाइलैंड में लेयर बनती है और कॉम्पोनेंट हार्डन से हार्डन होते जाते हैं और एक थिकनेस भी बढ़ती जाती है, जिसकी